जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अबासी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। और आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दें कि आज की वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपने एक्सप्लेन उसी लाइन को करना होता है जो कि आपसे पूछी जाती है। अगर आपको लाइन समझ में नहीं आती कि इसका मीनिंग क्या है, तो आप इसको बगैर लिखे मत छोड़ें। अगर आपको ये मालूम हो गया है कि ये लाइन किस पोएम या किस राइटर की है, तो आप रेफरेंस के बाद कॉन्टेक्स्ट में वो सब लिख दीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और एक्सप्लेनेशन अगर आपको नहीं आती, तो आपको उस लाइन के मुताबिक, मसलन फ़र्ज़ करें कि लाइन पैराडाइज लॉस्ट की है, तो आप सैटर्न की 5 स्पीचेस में से एक्सप्लेनेशन में कुछ भी लिख दें, खाली मत छोड़ें। और आज की वीडियो में हम 3 पोएम्स के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की बात करने जा रहे हैं, जिसमें लव एंड डिवाइन पोएम्स बाय जॉन डन, इसके बाद एब्सोलम एंड अकीटोफल, और आखिर में हम फेरी क्वीन की बात करें। दोस्तों, इससे पहले मैं इस वीडियो में जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसमें पैराडाइज लॉस्ट, रेप ऑफ द लॉक, द कंट्री ब्रिटेल्स के रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जॉन डन की लव पोएम्स के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डन्स लव पोएट्री। डन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश लव पोएट्स। हिज कैपेसिटी फॉर एक्सपीरियंस इज यूनिक एंड हिज कंसाइंस एज अ राइटर टुवर्ड्स एवरी काइंड ऑफ इट अलाउज ऑफ नो कंप्रोमाइज इन द ड्यूटी ऑफ जस्टिस टू ईच। हिज लव पोएट्री ऑफ लस्ट हैज नेवर बीन रिटन विद मोर मिनट ट्रुथ, बट देन नाइदर हैज द पोएट्री ऑफ लव ट्रांसकेंडिंग सेक्स। अब हम बात करते हैं डिवाइन पोएट्री के बारे में। डन्स होली सोनेट्स आर डिजर्वडली फेमस एंड रिमार्केबल। दे एम्बॉडी हिज डीपली फेल्ट इमोशंस इन लैंग्वेज रिफ्लेक्टिंग कॉन्शियस क्राफ्टमैनशिप। हाउएवर, केयरफुल रीडिंग ऑफ द होली सोनेट्स रिवील्स द एक्शंस एंड एक्सिटीज, यरिंग एंड फियर्स ऑफ द पोएट्स आर रियल एंड कन्विंसिंग। हिज फियर ऑफ डेमिनेशन, हिज एक्सपेक्टेशंस of punishment for sins makes him a great poet. Donne's divine poetry bears an unmistakable stamp of his personality as his love poetry. It is not written in conventional didactic style but in personal style. दोस्तों, अब हम बात करते हैं एब्सोलम एंड अकीटोफल की। एब्सोलम एंड अकीटोफल इज appreciated as a great and allegorical and historical work. Its story is taken from Bible. Its beauty can be seen in Dryden's writing style. By using heroic couplet in his allegorical work, Dryden achieved greatness in classical poets. Absalom and Achitophel is an allegorical work in which characters, events and places have deep meanings as well as something else. Israel stands for England, Egypt stands for France, King David refers to Charles II, Absalom shows Duke of Monmouth and Achitophel stands for Earl of Shaftesbury. दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फेरी क्वीन के बारे में। फेरी क्वीन इज एन एलेगोरिकल वर्क। इट इज अ फ्यूजन ऑफ 3 काइंड्स ऑफ एलेगोरीज। मॉरल एलेगोरी, रिलीजियस एलेगोरी एंड हिस्टोरिकल आर पर्सनल एलेगोरी। रेड क्रॉस नाइट रिप्रेजेंट होलीनेस एंड लेडी उन्ना स्टैंड फॉर ट्रूथ। हर पेरेंट्स सिंबलाइज द ह्यूमैनिटी। Dragon who has captured Una's parents represents evil. Here Dusa stands for falsehood. In religious allegory, Red Cross Knight represent the manhood of England. Dragon stand for the Pope of Rome. And Archimago represent hypocrisy of Papaki. In personal or historical allegory, Gullerina represents Elizabeth I and Fairy stand for the land of England.